हुण रंग बोलूगा बोलूगा रंग बोलूगा हुण रंग बोलूगा रंग बोलूगा रंग एफएम तुसी सुन रहे हो रंग एफएम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं थोड़ी दोस्त दीप संधू। अज असी लैके आए हैं बहुत ही खूबसूरत जहा प्रोग्राम जिंदगी के रंग उमा शर्मा के संग जी। दोस्तों इनू अज वो पंजाबी दे विच करनगे, हिंदी विच नहीं कर, क्योंकि अज का प्रोग्राम बहुत खास है। ते इस तो पहला के मैं होर अगे जावा, आओ मिलते हैं अज के खास मेहमाना नू जेड़े के पंजाब दी कोयल सुरिंदर कौर जी दे नाल संबंधित ने। ते कौन ने, किस तरह ने, तुसी पहचान भी रहे होवोगे, परंतु मैं चलदी हां उमा शर्मा जी कोल ताके उन्हां नू कहां के आओ, उन्हां नू खुश आमदीद करिए ते सारे दे नाल उन्हां दा तारुफ करवाइए जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਮਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡੋਲੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ मेरी प्यार प्यार भरी नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा शर्मा, लेके आई हूँ प्रोग्राम जिंदगी के रंग उमा शर्मा के संग। जल्दी जल्दी फोन उठाओ और रंग एफएम के लिंक को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। आज मैं जिस हस्ती को यहाँ रूबरू कराने जा रही हूँ वो सुरों की देवी है, सुर संगम की त्रिवेणी है। माँ सरस्वती का उन पर बहुत आशीर्वाद है और हमारे पंजाब की जानी मानी हस्ती है डोली गुलेरिया जी। डोली गुलेरिया जी, आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप यहाँ आए। थैंक यू, थैंक यू। कहते हैं कि चांद को भी गरूर है कि उसके पास नूर है, चांद को गरूर है कि उसके पास नूर है, पर उसको ये नहीं पता कि हमारे पास आप जैसा कोई नूर है, आप जैसा कोई नूर है। बस बस बस, इतनी तारीफ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। नहीं डोली गुलेरिया जी, आप है ही तारीफ के काबिल, क्योंकि आपने हमारे पंजाबी विरासत को संभाल के रखा है। मैं यू कहूँ कि आपके परिवार ने पंजाबी विरासत को जो आगे चलाने का जिम्मा लिया है, उसमें अगर मैं कहूं कि लोक गीतों की जो महारानी थी वो आपकी माँ सुरिंदर कौर थी, और आज का जो ये प्रोग्राम है हम उनको समर्पित करते हैं, उनकी याद को समर्पित करते हैं, क्योंकि वो हमारे पंजाब की नाइटिंगेल थी, हमारे पंजाब की कोयल थी, और जितना प्यार लोगों ने उन्हें दिया है उन्होंने उतना ही आगे पंजाब की विरासत के जरिए, अपने गानों के जरिए पंजाब को अमीर बनाया है। और आज का प्रोग्राम इसलिए ये ट्रिब्यूट, छोटी सी हमारी कोशिश है उनको ट्रिब्यूट देने की, और आज का प्रोग्राम हम उनको समर्पित करते हैं और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है उसको किसी धार्मिक गीत या गुरबानी या शब्द से अगर शुरू कर सके तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो उमा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके इस प्रोग्राम का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे याद किया, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने इस पंजाब की विरासत, लोक गीतों की विरासत को आगे चलाया और एक ऐसा दौर जिंदगी के बीच में लेके आई कि पंजाबी लोक गीत हमेशा हमेशा अमर हो जाएं, और उसके जाने के बाद भी हम उसके गीत गाते हैं, और शायद मैं अपनी ज़िंदगी में ये देखना चाहती हूँ कि उसके गीत कभी ख़त्म ना हों। वैसे तो लोक गीत कभी ख़त्म नहीं होते, पर माँ ने जो हमको लोक गीतों का भंडार हमारे लिए छोड़ा, वो गा गा के हमने अपनी विरासत को कायम रखा है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उसका आशीर्वाद मिला।
मैं शब्द दे दो लाइना जरूर शुरू करांगी। तू मेरा राखा, तू मेरा राखा सबनी ठाई, ताभो के हा काड़ा जियो, तू मेरा राखा सबनी ठाई, तू मेरा राखा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी ठाई, ताभो के हा काड़ा जियो, तू मेरा राखा। बहुत बहुत शुक्रिया है ढोली जी। थैंक आज मेरे पास शब्द नहीं है जिससे मैं आपका यहाँ आने पे स्वागत कर सकूं, क्योंकि आप जैसी हस्ती जहां भी पहुंचेगी वो जमीन भी पवित्र हो जाएगी। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि जो संगीत है मैम, जी, संगीत की भाषा एक ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है, बिल्कुल बिल्कुल दिल से निकल कर दिल तक पहुंचती है। और उस भाषा की सबसे बड़ा जो कहते हैं ना मजबूत रूप भाषा का ये है कि संगीत अगर शब्द ना भी बोले जाए तो भी आपके दिलों को संगीत छू जाता है, आप उसकी भाषा समझ जाते हैं। आप बिल्कुल। संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं तो संगीत को पूजा मानती हूँ। मेरे जी एक छोटा सा नाइटिंगेल एकेडमी मैंने शुरू की थी माँ के होते हुए, तो उसमें हमारा जो स्लोगन था वो था म्यूजिक इज वर्शिप, वो जी हमारे लिए इबादत है। सो म्यूजिक को अगर पूजा मान के हम संगीत को समझते हैं, क्योंकि संगीत ही जिंदगी है। जब दिल धड़कता है तो ताल बजता है, और जब सांस आती है तो सुर निकलते हैं। सो सुर और गति मिलकर संगीत बनता है। सो संगीत तो इतनी पवित्र चीज़ है। और एक बात बोलूं उमा, कि जब आप एक मीठा गाना, एक सुरीला गाना सुनते हैं, तो वो कानों से आपके दिल तक असर करता है। मेरे गुरु जी कहते होते थे कि करण रस है, ये करण रस है। जो सुंदर जी संगीत है वो कानों से दिल पे ऐसा उतरता है कि कभी फिर भूलता नहीं। तो संगीत एक जी ऐसी चीज है जो इंसान को पवित्र रखती है और रब के साथ जोड़ी रखती है, उसकी एक तार जुड़ जाती है भगवान के साथ। तो जी संगीत में ये शक्ति है। जी बिल्कुल, कहते हैं ना बीमार मन की दवा है गीत, आसान होता है जिंदगी का सफर जब साथ हो संगीत। बिल्कुल ये बिल्कुल बीमार व्यक्ति को भी सुकून देता है, बिल्कुल उसको ठीक करने में भी मदद देता है। हमने भाई बहुत बार सुना है कि लोग जब शब्द सुनकर, बानी सुनकर जो लोग बोलते नहीं है वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसमें तो बहुत बड़ी ताकत है। मैंने अपने जी जिंदगी में तजर्बा किया है इस चीज का, कि मेरा बेटा एक बार बीमार हो गया, तो वो इतनी दर्द थी कि वो कई डिस्प्रिन की गोलियां दे देते थे अस्पताल में उसको, पर वो दर्द बर्दाश्त उससे होती नहीं थी। पर मैंने सुखमनी साहब का पाठ उसके साथ बैठ के शुरू करना और उसने सो जाना। तो जी मैंने मैंने खुद अपने आप ये तजर्बा किया है कि सुखमनी के बीच में, बाबा जी की बाणी के बीच में ऐसा सुकून मिलता है कि दर्द भी विनाश हो जाती है। जो जी गोलियों ने असर नहीं किया वो बाबे की बाणी ने असर किया। और जी वो जब जी संगीत के रूप में मिले
तो एक एक अलग ही असर होता है उसका, मेरा ये बहुत एक्सपीरियंस है। सो मुझे बिल्कुल से बहुत ज्यादा प्यार है, गुरबानी से बहुत प्यार बिल्कुल जी, संगीत से बढ़कर कोई भाषा नहीं होती, इसे बिल्कुल। हर कोई समझता है। डोली जी, आप अपने बचपन के बारे में बताएंगी कि कहाँ बीता और शिक्षा कहाँ हुई? अच्छा मैं पैदा तो बॉम्बे में हुई हूँ, माँ तब प्लेबैक सिंगर होती थी, मैं बॉम्बे में पैदा हुई और फिर कुछ साल रह के 4-5 साल की थी तो मामा दिल्ली आ गए और दिल्ली जी से अपना दोबारा नए सिरे से अपना करियर शुरू किया। प्लेबैक सिंगिंग छोड़ के आ गई थी क्योंकि उसको वो माहौल पसंद नहीं आया था। तो जी रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो जलंधर से अपना करियर शुरू किया और मैं साथ साथ वो संगीत के बीच में पली बड़ी और दिल्ली में पढ़ी, सारे स्कूल दिल्ली में ही, और फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ी, फिर उसके बाद खालसा कॉलेज से मैंने बीएससी किया और गुड़गांव गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने प्री मेडिकल किया और फिर एक आर्मी ऑफिसर के साथ मुलाकात हुई और रिश्ता बन गया और एक छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई एक फौजी अफसर के साथ जो अब कर्नल चरणजीत सिंह गुलेरिया कहलाते हैं जी और वो मेरे मेरे अंग संग के मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरे संगीत को भी प्यार किया और उससे ज़्यादा मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को। एक ऐसा कैरेक्टर है वो जो अफेक्शन से और मोहब्बत से भरे हुए हैं और उन्होंने लिटरली जैसे एक एक छोटी सी लड़की की जब शादी हो जाए तो उसको पता नहीं लगता कि स्कूल कॉलेज से निकले और झट शादी हो गई तो उसको कौन उसकी देखभाल कौन करेगा बाप के बाद। जो बाप प्यार देते हैं वो प्यार दोबारा कौन देगा, तो वो कर्नल साहब ने वो प्यार मुझे दिया और मुझे लिटरली बोलूंगी पाल पोस कर बड़ा किया। जी जी उन्हीं के जी कहने पे संगीत में आई, उन्हीं के कहने में मैंने अपने म्यूजिक को मैं अपनी जिंदगी बनाई, अपना प्रोफेशन बनाया। डॉक्टरी तो बीच में रह गई थी तो अब मैं संगीत की तरफ आ गई और अब आपके सामने हाजिर मैं कर्नल साहब को भी सलाम करूंगी, क्योंकि उन्होंने भी हमारे देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल उन्होंने, उनके परिवार ने, उनके दादा, बिल्कुल उनके पिताजी सबने देश की बहुत सेवा की है, और मैं उनको सलाम करती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत कम लोग हैं जो देश के प्रति समर्पित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो सरहद पे रह के उन्होंने देश की सेवा की है, और आप लोकगीतों के द्वारा देश की सेवा कर रहे हो। तो उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल यही होती है कि सच्ची सुच्ची साफ सुथरी जिंदगी, जी सच बोलना, ऑनेस्टी से काम करना और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, जी जी टाइम की कदर बिल्कुल करो, पैसे की कदर करो, ये मत समझो कि तुम्हें पैसा मिल गया है तो तुम्हारा दिमाग वो हवा में उड़ने लग गया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। धरती से जुड़े रहो, अपने देश से प्यार करो, अपने ह्यूमैनिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जी अपने और आसपास इन्होंने लोगों वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत जगह दी है घर में, क्योंकि से। आपके मम्मी को भी आपके पिताजी ने संभाला, और जी वो गाने लिखते थे और सुरिंदर कौर जी गाते थे, और जी इसी तरह कर्नल साहब ने भी आपका जी साथ दिया, तो वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उमा जी हम लोग 3 बहनें और मेरे फादर प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जी साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने हमको तीनों बेटियों को ऐसे ही प्यार किया जैसे कि लड़कों को प्यार करते हैं हम घरों में। हमारे इंडियन सोसाइटी के बीच में है कि लड़कियों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, प्रोफेशनली नहीं ध्यान रखा जाता, उनकी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जाता, पर मेरे बाप ने हम तीनों बेटियों को पूरा ये इख्तियार दिया कि आप जो करना चाहते हो जिंदगी में वो करो, पर जो करना है वो ऐसा करो कि लोग याद करें। तो वो हमारे में जज्बा जो था वो जज्बा कायम रहा और तीनों बहनें हम अपनी लाइफ के बीच में कुछ ना कुछ करके दिखा रहे हैं, कोशिश यही है, ये जी सब जी उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश है। माँ को उन्होंने बनाया एक अल्लड़ मुटियार, पंजाबी विच कहते ना एक अल्लड़ मुटियार, पाकिस्तान की डिवीजन के बाद इनकी शादी हुई 1948 में, तो वहाँ तो बिल्कुल किस हालात में ये लोग
शादी इनकी हुई, तो माँ तो मेरा ख्याल अभी 10th क्लास भी पास नहीं हुई थी, तो दारजी ने, मेरे फादर को हम दारजी बोलते थे, दारजी ने उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया और ट्रेन किया कि जैसे बोलते हैं ना, एक बीज डाल के तुम पौधा प्लांट करते हो और फिर उसको पानी दे दे के बड़ा करते हो, बड़ा और वो करते इतना बड़ा पेड़ बना दिया कि उस पेड़ ने हमारी विरासत को स्ट्रॉन्ग कर दिया। ये सब उनकी देन है, और मुझे खुशी है कि मैं आगे से मुझे ऐसे हस्बैंड मिले जिन्होंने इस चीज़ को समझा और इस विरासत को मुझे कायम रखने का पूरी इजाज़त दी। कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते थे कि ये तो 1971 की वॉर में चले गए, मैं पीछे रह गई, छोटे से परिवार में एक छोटी सी बेटी को लेके सुनैनी पैदा हो गई थी 71 में, और जी मैं, मेरी प्रायोरिटीज ही लाइफ की चेंज हो गई कि मैं एक फौजी की बीवी हूँ, अब मेरा कर्तव्य पहले देश प्रेम है, फिर बाद में जी अपने परिवार की लुक आफ्टर करने का काम है। सो वो जज्बा जो है, वो जब तक एक औरत को एक अच्छे बाप, एक अच्छे भाई, एक अच्छे हस्बैंड की बैकिंग ना मिले, तो औरत को आगे बढ़ने का वो जोश और वो एक एक जो जज्बा होता है, वो मिलना ज़रूरी होता है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये मैं जी कभी नहीं मानती कि औरत और आदमी अकेले अकेले कुछ कर सकते हैं, ये एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो जी मुझे बहुत वो बहुत मिली, मुझे वो मिली, और आगे मेरे बेटे बहुत बेटे भी मेरे आगे अच्छा। ऐसे हैं कि वो भी पूरा सपोर्ट देते हैं। सो इट आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली। जी ये कर्नल साहब की भी बहुत बड़ी खासियत है, और मैं उनके लिए चंद शब्द ये बोलूंगी कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, देश की धरती तुझे कुछ और भी दो, देश की धरती तुझे कुछ और भी दो, क्योंकि हम जितना भी धरती के लिए कर सके, माँ के लिए कर सके, उतना ही कम है। तो इन्होंने अपनी लाइफ समर्पित की है। और मैं दो बोल एक गाना माँ ने गाया था 1971 की वॉर के बाद जी रेडियो स्टेशन पे, तो वो मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी का एक एक सिंबल बन जाएगा। जी वतन दे सिपाया मेरे मन दे माया, मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी, हम वतन वास्ते है ए आवाज पूंजी, मेरी जिंदगी दी ये पूंजी, भी हूं तो वतन वास्ते है, वतन दे सिपाहिया। क्या कहने, सो सुरेंद्र कौर ये जी को जब भी याद करें। तो अब ये है कि हम ये कहें कि आप सुरेंद्र कौर जी की बेटी हैं या सुरेंद्र कौर आपकी माँ है, क्यों नहीं आपने अपने गीतों के प्रति इतनी वफादारी से काम किया है कि अगर आप सुरेंद्र कौर जी आज यहाँ जिंदा होती तो उन्हें भी गर्व होता कि डोली गुलेरिया मेरी बेटी है। मुझे माँ का बहुत प्यार मिला, और आखिरी दिन थे उसके जब वो थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो मैं एक एल्बम रिकॉर्ड कर रही थी इबादता, उसमें सारा जी सूफी कलाम था, और उसमें मैंने एक सूफी कलाम अपनी तरफ से भी उसके बीच में ऐड किया, कहाँ शाह हुसैन और कहाँ बुल्ले शाह। मैंने माँ को बोला, माँ मेरा दिल करता है कि मैं अपने जज्बात कुछ लिखूँ, तो उन्होंने बोला ज़रूर लिख, तेरा बाप इतना जी बढ़िया राइटर था तो तू भी तो कुछ लिख, कुछ तो तेरे को इनहेरिटेंस में मिला है। तो मैंने लिखा एक गीत, तेरे रंग विचे रह के जीना है, तेरे रंग विच रह के जीना है, असा जामे इबादत पीना है, असा जामे इबादत पीना है। मैं जब रिकॉर्ड करके उमा जी ये लेके आई ना घर, तो जी मामा के आंखों में आंसू थे, और जब वो बहुत खुश होती थी या कोई चीज़ उसको अच्छी लगती थी ना, तो मत्थे ते किस करती सी। सो मेरा मैनू बुला के ते मेरे मत्थे ते किस कीता, और कहते अज मैनू लगता है
कि तू मेरे नक्शे कदम ते चल पई है और मैनू बहुत खुशी है। सो मेरी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत जी कैसे वो पल कभी नहीं भूल सकती, तो मुझे माँ का आशीर्वाद ऐसे मिल गया जी डोली जी, आपने शादी के बाद फिर संगीत कब सीखना शुरू किया? संगीत तो उमा जी ऐसे था क्योंकि घर का माहौल ऐसे था, माँ के पास कोई ना कोई ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स उस्ताद घर आते ही रहते थे, और घर का माहौल ऐसा होता था कि कोई ना कोई महफिल बनी रहती थी, बड़े बड़े ग्रेट सिंगर्स पाकिस्तान से, खासा सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, खान साहब मेहदी हसन, खान साहब गुलाम अली, खान साहब नुसरत फ़तेह अली, अमजद हुसैन, जो जितने पाकिस्तान के मशहूर सिंगर्स हुए हैं वो ज़रूर हमारे घर आते थे, और फिर घर में महफिल होती थी, और उस महफिल के को अवॉइड करना तो बिल्कुल जी ये हो ही नहीं सकता ना कि वो माहौल बिल्कुल तुम्हारे अंदर पूरा अंदर जज्ब ना हो। वो अंदर तो था ही, खून के अंदर तो रल मिल गया था संगीत, बट जैसे तालीम लेते हैं, वो मैंने खान साहब अब्दुल रहमान साहब, खान साहब पटियाला घराना के उस्ताद थे, उनसे तालीम ली, और गंधर्व महाविद्यालय से छोटी उम्र में ही मेरे फादर ने मुझे स्कूल में डाल दिया था कि गाना भी गाओ और डांस भी सीखो। मैंने कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम सारे डांस भी सीखे छोटी उम्र से ही, बट ये कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली म्यूजिक में जाऊंगी। सोचती थी कि डॉक्टर बनूंगी, पर अब मेरे बच्चे मेरा मजाक करते हैं कि मामा अच्छा ही हुआ आप डॉक्टर नहीं बने, नहीं तो आप मरीजों को गाना ही सुनाते रहते और पता नहीं मरीज बचते कि नहीं बचते। नहीं, गाने गानों से आप सो उनको ठीक कर देते ना। ऐसे संगीत तो रग रग में बसा हुआ था, पर जब शादी के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि प्रोफेशन में जाना है, कनु साहब ने मुझे बोला कि सारा दिन तो तू जी गाती रहती है और मेरा ही सिर खाती है, तो अच्छा है कि बकायदा गा। तो फिर खान साहब से बकायदा तालीम ली और खान साहब मेरे पास आके रहे, और 8-9 साल वो दिल्ली मेरे पास रहे, और हमने जी बकायदा बकायदा तालीम ली पटियाला घराना की, कि जी पंजाबी लोकगीत एक होता है और पंजाबी पटियाला घराना का जो संगीत है वो माना जाता है कि वो सबसे एक प्यारा सा अंदाज है। एक क्लासिकल जी सिंगर होता है जिसके बीच में जी इतने सुंदर सुंदर घराने हैं हमारे तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, पर पटियाला घराना की तारीफ है कि वो बहुत प्यार वाला घराना माना जाता है, फीलिंग्स के साथ गाने वाला, जी दर्द भरी चीज़ें पटियाला घराना की मशहूर हैं। बड़े गुलाम अली खान साहब और ऐसे ऐसे उस्ताद हुए हैं, बरकत अली खान, और तो हमारे उस्ताद भी उसी घराने को बिलोंग करते थे। सो मुझे संगीत से एक लौ लग गई, मुझे गुरबानी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने पहला एल्बम अपना रहराज साहब का गुरबानी के बीच में खान साहब की म्यूजिक डायरेक्शन में पहला रिकॉर्ड किया। जी इसके बीच में रहराज साहब शाम का पाठ होता है जिसके बीच में 5-6 राग हैं जैसे बाणी में लिखे हुए हैं, तो वो रागों को पहले उनका ज्ञान खान साहब ने सिखाया, फिर उनको गाने का सलीका सिखाया, फिर मैंने रिकॉर्ड किया, तो बस फिर लगन लग गई, ऐसी लगन लगी बस पूछो मत। नहीं, हमें हाँ आज क्लासिकल सॉन्ग सुनाएंगे जी, जी, किसका क्या बोला, सॉरी क्लासिकल अच्छा क्लासिकल सॉन्ग, कोई सूफी। क्लासिकल, हाँ क्लासिकल जी जी सॉन्ग, क्लासिकल मैंने गजलें गाई हैं क्लासिकल स्टाइल की, और आवस मांडड़े को यार सिपाईड़ा, आवस मांडड़े को, ये मुल्तानी काफी है, जो खास जी उस्ताद थे कुंदन लाल जी शर्मा, ये उनसे सीखी थी, वो उस्ताद थे आशिक अली खान साहब के शागिर्द थे, तो वो मुल्तानी अंग बहुत बढ़िया सिखाते थे, तो मैंने जी उनसे कुछ मुल्तानी काफियां सीखी क्लासिकल अंग स्टाइल से। जी 1 लख डिंदिया ते 2 लख देसा, 1 लख डिंदिया ते 2 लख देसा,
दिल दी चागल खोल यार सिपाहीड़ा आवस मांडले को। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ऐसे अच्छा। बहुत कॉम्पोजिशन है, तो अगर मैं डायरी खोल के बैठ गई तो फिर तेरा प्रोग्राम खत्म हो नहीं, फिर जाएगा। हम इसके पार्ट बनाते चलेंगे ना, फिर हम पार्ट बनाते चलेंगे। हमें ना डोली जी, देखो आप लोकगीतों की रानी हैं, और सुरेंद्र कौर जी को मैं कहूंगी कि वो लोकगीतों की महारानी थी। माँ मेरी महारानी। बिल्कुल, वो महारानी थी और आप लोकगीतों की रानी है, तो हमें कोई लोकगीत सुनाइए। हाँ जरूर जरूर। दो पल बई जाना कोल वे मेरे दिला दया मेहरुमा, दो पल बई जाना, दो पल बई जाना, दो पल बई जाना कोल वे मेरे दिला दया मेहरुमा, मिठड़े लगन तेरे बोल वे मेरे दिला दया मेहरुमा। ये हिमाचली लोकगीत है। जी आऊं गलानिया सच बो माड़े बांकु दया चचुआ, आऊं गलानिया आऊं गलानिया आऊं गलानिया सच बो माड़े बांकु दया चचुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी आवाज सुन के लगता है कि कभी बंद ही ना हो, हम सुनते रहे। थैंक यू अब अच्छा दीदी, तो बूढ़ी हो गई, अब जो तो देख चिट्टे हो गए नेवाले। ये चाहे चाहे जितने मर्जी आप बूढ़े हो जाओ, हमारे लिए तो आप गीतों की रानी ही रहेंगी, क्वीन ऑफ पंजाब। थैंक यू दीदी, शादी में गाए जाने वाले गीतों का कोई कुछ हाँ लाइनें? शादी वाले विदाई के गीत होते हैं, जब लड़की की डोली जाती है तब गीत और होते हैं, जब खुशी का मौका होता है तो गीत और होते हैं। तो विदाई का एक सुनाती हूँ गीत। गलियां ते हुईयां बाबल पीढ़ियां, तेरा आंगन होया परदेस वे, रख रख बाबल कर अपना ती चली बेगानड़े देस वे बाबल। आप ही मेरा गले के बीच जी का नॉट बन चलो, जाता है, ये बहुत सैड है। नहीं ये नहीं गाऊंगी, वो हैप्पी आप हमें गाती वो सुना सकती हैं कि मावा ते तिया रल बैठी हैं नी हूँ। मैं। मावा ते तिया रल बैठिया नी माए, कोई कर दिया गलोड़िया, मावा ते तिया दी दोस्ती नी माए, कोई टुट दिए कैरा दे नाल नी नी कणका लम्मिया तिया क्यों जम्मिया नी माए। मावा ते तिया दी दोस्ती नी माए, कोई टुट दिए कैरा दे नाल नी कणका निसरिया तिया क्यों विसरिया माए। दी, मैंने भी लड़कियों की शादी की है, और जब भी मैं उनकी डोली जाने वाली होती थी तो मैं आपकी मम्मी का वो गाना मधानिया जोर लगाती थी, और वो आज भी हम सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बिल्कुल वो वो उनकी शक्ति की उस गाने की हकीकत। चंद लाइनें हमें सुनाइए प्लीज। मदानिया हायो मेरे डाडिया रब्बा, किन्ना जमिया किन्ना ने ले जानिया,
आयो मेरे डाडे आ रब्बा, किन्ना जमिया किन्ना ने ले जानिया, कलियां मावां तियां मिलन लगियां, चारे कंधा ने चुबारे दियां हलियां, मावां तियां मिलन लगियां, चारे कंधा ने चुबारे दियां हलियां। ये तो बहुत मन को सुकून भी देता है और मन को कचोटता भी है जब बेटी घर से बिल्कुल, विदा होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में तो ये गीत शादी के बाद में सुने ही नहीं जाते, एकदम बिल्कुल सेंटिमेंटल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। दीदी एक फरमाइश आई है गाने की। हाँ जी, एक वो है ना गाना, एक मेरी आंख काशनी। अच्छा हाँ इस गाने की फरमाइश नीक आई है। मेरी अख काशनी, नीक मेरी अख काशनी, दूजा रात दे दूजा रात दे, रात देव नीरे ने मारिया शीशे नू तरेड़ पै गई, वाल बोंदी ने त्यान जदों मारिया, नी इक मेरी अख काशनी, इक मेरी सस नी बुरी पैड़ी रोई दे के कर तो काली, गले कथे वीर पुन दी नित दे मेरे मापिया नू गाली, नी केड़ा उस चंदरी दा, नी केड़ा उस चंदरी दा, नी मैलाचियां दा बाग उजाड़े, अनीक मेरी अख काशनी, दूजा रात दे उनींदरे ने मारिया शीशे नू तरेड़ पै गई, वाल बोंदी ने त्यान जदों मारिया, नी इक मेरी अख काशनी। जब हम छोटे थे ना ये गाना बहुत सुनते थे। मतलब आपके मम्मी के जितने भी गाने थे तो कुछ गाने मेरी सिस्टर हमें गा के सुनाया करती थी। तो अच्छा हमेशा मतलब आपकी मम्मी के गाने, आपके गाए गाने हम सुनते रहते हैं और याद करते रहते हैं। कभी भी हमारे मन से सुरिंदर कौर जी या आप या आपके मासी नरिंदर कौर जी, प्रकाश कौर जी कभी भी नहीं गए, क्योंकि इन्होंने हमारे पंजाबी विरासत को जिंदा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई घर भी ऐसा नहीं है पंजाबी फैमिली वाला जो ये गीतों से वाकिफ ना हो। वो सारे जी। मजा तब आता है जब किसी महफिल में कोई फरमाइश करता है और गाना मैं गा रही होती हूँ और वो सारे मेरे साथ गा रहे होते हैं, यार और एक ये गाने दो सबको सबको याद है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप गा रहे हो तो हमें सारे वो गाने याद है। सारे तो याद इस की एक खासियत है इन गानों की। और वो जो गाने के शब्द हैं जी वो भी मतलब पंजाब में वो सब कुछ बीतता है। मतलब ऐसे नहीं है कि गाने ऐसे ही बना दिए गए हैं। बिल्कुल नहीं, वो पंजाब वो का कल्चर है, वो ही हमारी विरासत है, वो ही हमारे जी संस्कार है, जी उनमें सारी शादियों की पूरी रीतें और रिवाज क्या क्या होते हैं वो सारे जी गानों के बीच में ही प्रकट होते थे पहले जी हमने ऐसे। तो देख सुना कि सिठनियां क्या होती है ना। तो ये सारी चीजें इन्होंने ही हमें बताई हैं। बिल्कुल शायद बिल्कुल हमें कुछ पता ही ना होता कल्चर के बारे में। तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी देन हाँ जी हाँ जी। तो दीदी आपका आजकल जो गाने आ रहे हैं लोग वेस्टर्न कल्चर के गाने, वो और पंजाबी जो हमारी विरासत है, इसमें अब क्या फर्क समझती हैं और वो कब तक रहे? क्योंकि जैसे पंजाबी गाने हैं, पंजाबी विरासत के गाने हैं, ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, ये ता उम्र चलने वाले हैं। उमा, बात यह है कि हम इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं आजकल और हम वेस्ट को कॉपी करते हैं हमेशा, हमने हमेशा वेस्ट ने इम्प्रेस किया। हम मैं ये बोलती हूँ कि आप वेस्ट का टेलीफोन चाहिए तुमको, टीवी चाहिए तुमको और फैसिलिटीज चाहिए, वो यूज़ करो, बिजली की चीज़ें जो हैं वो टेक्निकली एडवांस हो चुकी हैं, बड़ी अच्छी बात है, जी
अपने विरसे को तो मत भूलो, अपने ओरिजिन को तो मत भूलो। अगर हम पंजाबी हैं तो हम ये तो जरूरी नहीं है कि हम जरूर इंग्लिश गाने गाएंगे तभी हमको इस जिंदगी में खुशी मिलेगी या हम किसी को खुश कर सकेंगे। उनका कल्चर डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है। हम सिर्फ कॉपीकैट्स क्यों बने? अपने अपने विरसे को भूल के किसी और के विरसे के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स नए आ गए हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो। पर गीत के बोल, लिरिक्स जो है, जो गाना आपको छूना चाहिए, जिस गाने के बोल आपके दिल पे असर करने चाहिए, वो गाना होता है। गाना सिर्फ ढोल ढमाका नहीं है। ढोल तो हमारा एक ढोल हमारा काफी है किसी को डांस कराने के लिए ना। जिथे ढोल वजदा है उथे तुहाडे कोल बैठा नहीं जाता, पैर थिरकन लग जाते हैं, अपने आप ही तुसीं नचन लग जाओ। एक बिल्कुल ढोल ही बिल्कुल काफी है। फिर 1500 ढोल ते 1500 इंस्ट्रूमेंट्स की भी कोई लोड़ नहीं। पंजाबी गाने में वो ताकत है। जी और जो जो नए बच्चे आजकल समझते हैं कि वेस्टर्न संगीत जो है उसके बीच में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत बढ़िया है तो उसके बीच में बड़ी वैरायटी हो जाती है, उसमें बोल खत्म हो गए हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही बज रहे हैं। आप उमा आपने तजर्बा किया होगा कि हम शादियों पे जाते हैं, किसी की शादी पे रिश्तेदार मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, हम एक बात किसी से नहीं कर सकते क्योंकि इतना लाउड म्यूजिक लगा होता है, जी तुम कुछ बात ही नहीं कर सकते, कोई अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते, सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट्स का शोर। उसके बीच में कोई जी गीतों का कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई नहीं जी समझ आ रही कि वो गाना क्या गा रहा है, उसके क्या वर्ड्स हैं ना, उनको सिर्फ रिदम चाहिए और बच्चे डांस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये इसको बच्चे अपनी उम्र के साथ धीरे धीरे समझेंगे कि हमारा ओरिजिन जो है वो नहीं कभी भी भूलना चाहिए। जी सो मेरे को डॉली तो ज्यादा जी। खुशी नहीं होती ये देख हाँ नहीं, के। हमें हमें भी दुख होता है क्योंकि जो पंजाबी गाने हैं जो गाए हुए हैं बहुत सालों से, चाहे आज से 35 40 साल पहले भी गाए हुए हैं, उमा वो पंजाबी समझ गानों की, सिर्फ पंजाबी गानों की बात नहीं है, आप बॉलीवुड के गाने सुन लो, जो गाने पिछले जमाने के थे 50 वो से सब। लेके हाँ 90 तक, वो लता जी का एक एक गाना हमको जबानी याद है, चाहे वो भक्ति संगीत हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो जी गीत, हमको जी सब याद है। तल्लत किसको भूला है, मुकेश, किशोर, हेमंत जी दा, ये मोहम्मद रफी, इनके गानों के बीच में कोई बात थी, कोई लिरिक्स थे, एक एक बोल जो था काबिले तारीफ था। वो अब के सुकून गाने देता था मन को सुकून देते थे वो गाने बिल्कुल, ना। उनको बार बार सुन के एक लुत्फ आता है ना, वो जी संगीत है, मजा तो तभी है ना। मैं एक जगह पता नहीं इंटरव्यू के बीच में मेरे मुंह से निकल गया कि एक राइटर जो होता है वो एक गीत लिखता है, उसके कोई जज्बात है, उसके बाद जी जी सिंगर उसको गाता है, जो उसके जज्बातों को ठीक से पेश करे तो वो लोगों तक पहुंचे, तो बात जी बनी ना, कि राइटर की फीलिंग, सिंगर की फीलिंग मिल के तो संगीत बना और वो सुरों के साथ लोगों तक पहुंचा, वो तुम कभी भी नहीं भूल सकते। और जो ना कोई लिरिक्स है, ना कोई म्यूजिक है, निरा शोर शराबा है, वो किसी नु की समझ आना, वो दिल बिल्कुल। पे असर थोड़ी करता है, वो तो उल्टा सी सिर दर्द लेके घर वापस आ जाते हैं कि है मैं की सुन के आया। सच्ची बताऊं दीदी की जो 50s से लेके 70s तक गाने हैं ना, क्या मैं बात, रोज रात को जितनी देर मुझे नींद नहीं आती, चाहे 2 बजे बिल्कुल चाहे 3 बजे, वो गाने चलते रहते हैं बिल्कुल। अच्छा लगातार। ये सारे ग्रेट सिंगर्स थे, फिर जगजीत सिंह आए, जगजीत जी सिंह ने हमको गजल बहुत प्यारा का गाया दौर है, दिया, बहुत ऐसा बहुत दौर दिया, हम भूल सकते हैं कभी ऐसी चीजों को? जी। अब तुम नहीं बोलोगे कभी गजलें इंग्लिश स्टाइल की हो जाए तो फिर कैसे वो किसी लगेगा। को समझ ही नहीं आएंगी, हमारी भाषा नहीं है जी, हमारी भाषा ही नहीं है। दुख लगता है, बहुत दुख लगता हाँ है। बहुत संगीत दुख मत, लगता है संगीत के साथ मत करो ये खिलवाड़, संगीत बहुत जी। प्योर चीज है। अच्छा एक बात याद आ गई, गुरु जी कहते थे तानपुरे के साथ मुझे सिखाया उन्होंने ना तानपुरा बजाते, तो उन्होंने कहा जब तानपुरे की तार और तुम्हारी आवाज मिसाल लगा रहे हैं ना, जब सा करते हैं ना और तानपुरे का सा भी मिल रहा है, जब दोनों की तारें एक हो जाए ना तो तब रब का दीदार होता है। जी तो वो रब के साथ एसोसिएट करते थे म्यूजिक को। अब तो हम रब का दीदार कितों होना है ना, रौला पिया होता है,
सारे अपने अपने धुन बजाई जाते ने बिल्कुल संगीत तो वाकई एक पूजा है, ईश्वर की प्रार्थना है। सही दी, आप तो खुद अपने आप में एक संस्था है। बात आपने बच्चों को भी आगे पढ़ाने का कार्य किया, तो वो फिर कितनी देर चला या अभी तक चल रहा है, कैसे है? कोई खास खास बच्चे हैं जो दिल से संगीत को प्यार करते हैं वो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पर जो बच्चे आजकल देख के ना टैलेंट हंट्स वगैरह वो देख के समझते हैं कि बस 3 महीने का एक कोर्स कर लें तो संगीत आ जाएगा, गाना ऐसे नहीं होता, गाना तो जिंदगी भर सीखना ही पड़ता, हर दिन आप सीखते हो, गाना ऐसी चीज है, बहुत बहुत गहरा बहुत विशाल सागर है ये तो सीखते सीखते बंदा थक जाता है फिर भी खत्म नहीं होता। तो जो ये नया पूर है ना, ये नई जनरेशन, ये संगीत को थोड़ा मजाक बना दिया। मेरे पास बड़े बच्चे आते हैं सीखने के लिए, वर्कशॉप्स में आते थे, आके उन्होंने कहना कि हम 3 महीने में सीख लेंगे फिर हम टैलेंट हंट में चले जाएं। तो मैं पहले ही डिसअपॉइंट हो जाती थी कि ये बच्चों को मैं क्या सिखाऊंगी, ये मैं सीधा ही कोई सीधा तुम टैलेंट हंट की तैयारी करनी है तो वो तो फिर तुम रेडियो से गाने सुनो और याद कर लो और जाके गाओ, संगीत तो वो नहीं है, संगीत तो बहुत गहरी चीज है। आपने देश और विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया है, पंजाब का नाम रोशन किया है, हमारे भारत का नाम रोशन किया है। तो पाकिस्तान में आपने गाया, तो वहां आपको अवार्ड से नवाजा गया, मीनारे पाकिस्तान। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। पाकिस्तान जाने का एक बहुत सुंदर हमारा हादसा था, क्या बोलूँ, वो गए तो थे ननकाना साहब मत्था टेकने के लिए, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था, तो वहाँ पे हम कोई 60 जने थे, पूरा का पूरा ग्रुप था, तो वहाँ गए तो उन्होंने इतना प्यार, इतना हम लोगों का सत्कार किया सबका। जब अटारी से वाघा बॉर्डर पहुँचे तो उन्होंने स्टेशन के ऊपर गुलाब की पत्तियों से और इत्र के साथ हमारा स्वागत किया, और क्या उसके बाद कहना, में गुलाम अली भाई, परवेज मेहदी, शौकत अली खान और सुरैया खानम और आरिफ लोहार, ये सारे लोग हम वेलकम करने के लिए आए हुए थे। और फिर इन्होंने एक महफिल अरेंज की गद्दाफी स्टेडियम के बीच में, ओपन एयर थिएटर था, वहाँ पे मुझे कहा कि आप परफॉर्म करो, तो मैं और मेरी बेटी सुनैनी हम दोनों स्टेज के ऊपर जब पहुँचे तो मैं इमोशनल हो गई ये कह के कि मैं आज उस धरती पे खड़ी हूँ जहाँ मेरी माँ पैदा हुई थी और मेरी माँ ने अपना गाना लाहौर से शुरू किया था, तो मामा ते तियां दी दोस्ती से मैंने शुरू जब किया, पहली लाइन ही उठाई तो सारा हॉल स्टैंडिंग ओवेशन के साथ तालियां बजा के खड़ा हो गया, और 5 मिनट वो तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसे हो गए इमोशनल सारे के कुछ देर तो गाया भी नहीं गया, रुक के पानी पी के तो फिर गाना दोबारा शुरू किया, और फिर उन लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, ऐसे लगा मुझे कि माँ तो माँ थी, मैं बेटी इनकी बेटी बन के आ गई, और फिर उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, और बस पूछो नहीं, इतनी इतनी क्या बोलूँ खातिर तवाजा जो कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो ऐसे लगा ही नहीं कि हम दो अलग मुल्क हैं, क्योंकि हमारा पहरावा, खाना पीना, साड़ियाँ लोरियाँ, साड़ियाँ कोड़ियाँ, सारियाँ सांझियाँ, सेम लैंग्वेज, सेम एक दूसरे की फीलिंग, सेम, तो ऐसे लगा कि हम ये तो हमारा ही मुल्क है, ऐसे फीलिंग आई, वो इतनी मोहब्बत वहाँ पे मिली, और वो जब भी कभी मिलते हैं दूसरी कंट्री में, कनाडा अमेरिका में बहुत मिलते हैं, इंडिया में अब कम आते हैं, पर बाहर जब हम जाते हैं इंग्लैंड अमेरिका कनाडा यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ से भी पाकिस्तान से भी लोग सारे आते हैं, हम जब मिलते हैं उठते बैठते हैं तो हमको बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे हम तो एक ही फैमिली, और जी, ऐसे सिर्फ ही क्यों हमको अलग सरहदें हैं। करते, हाँ जी, सिर्फ सरहदें हैं जो हमें अलग करती हैं, बाकी तो सभी चीजें एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल प्यार, वही वही मोहब्बत, प्राण, वही क्यों सब वो पहले कुछ। तो एक ही था ना, सो जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन यही तो होता है, ओरिजिन हमारे गाने सेम है, चंद कितना गुजारी आई रात में, सारे मिलके मेरे नाल गान लग गए, सो ऐसे नहीं लगा मेरे को कि मैं हिंदुस्तान में हूँ कि पाकिस्तान में,
एक ही मुल्क लगा, बहुत इस अच्छा। गाने की हमें भी दो लाइनें सुना दीजिए। अच्छा, चंद किथां गुजारी आई, ओ चंद किथां गुजारी आई, रात वे मैंडा जी दलीला दे वात वे, ओ चंद किथां गुजारी आई, कोठे ते पिर कोठड़ा माही कोठे सुकदा घा भला, आशिका जोड़िया पौड़िया ते मशूका जोड़े रा भला, ओ चंद किथां गुजारी आई, ओ चंद किथां गुजारी आई, रात वे मैडा जी दलीला दे वात वे, ओ चंद किथां गुजारी आई। बहुत बहुत अच्छा। ये गाने सुन के हमें अपना बचपन साथ साथ में याद आ रहा है। थैंक यू कहते हैं कि लफ्जों का भी कुछ जायका होता है, उसे जी, परोसने से पहले चख लेना जरूरी होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने जितने भी लफ्ज गीतों के द्वारा परोसे हैं, वो जी, सभी का कुछ ना कुछ मायने हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ये ही जो है विरासत आपने पंजाब को दी है। और ये बताएं कि आपने सुरिंदर कौर जी के साथ भी गाया कभी? हाँ, माँ के साथ गाया है, माँ के साथ एल्बम की है, माँ के साथ स्टेज शोज किए हैं। और एक बात मैं बताऊँ, उमा माँ कहती होती थी कि मैनू ना कुछ नहीं आंदा, वो इतनी निमाणी बन जाती सी, वो कहती थी मैनू कुछ नहीं आंदा, संगीतकार ते बड़े दूर दूर तक उस्ताद बैठे हुए ने, मैनू सिर्फ ये आंदा है कि मैं अपने हर लफज नू बोल नू समझ के गानी हूँ। जी हाँ पंजाबी विच कहंदे ने हंडाना, जी इन्हें कपड़ा हंडाना होंदा, जिवें मैं बोला नू हंडानी हाँ, सो जो बोला नू हंडाओ तो वो दिलों निकलते हैं ना, सो दैट फीलिंग इज द एक्चुअल, वो ही होता है कि माँ के गानों के बीच में एक ऐसा अजीब सा बोलों का पेशकारी होती है कि बड़े लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं उसको, पर उसके जैसे नहीं गा सकते, समेत मैं भी माँ के जैसे 100% नहीं गा सकती, उसमें एक खास काबिलियत थी कि वो बोला नू हंडांदी सी। इना जी खियां च पावां किवें कजलावे, अखियां च तू वसदा, इना खियां च पावां किवें कजलावे, अखियां च तू वसदा, हर वेले चलना मेरा तेरे वल मुवे, हर वेले चलना मेरा तेरे वल मुवे, बुलियां ते ना तेरा अखियां च तू वे, अखियां च तू वे, जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हासिया च तू हसदा, इन्हां अखियां च पावां किवें कजलावे, अखियां च तू बसदा, हाय अखियां च तू बसदा वे, अखियां च तू बसदा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही। थैंक यू। माँ के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि खूबसूरती की इंतहा देखी, जी खूबसूरती की इंतहा देखी जब मैंने मुस्कुराते हुए माँ देखी। वाह वाह वाह, माँ माँ तो जब मुस्कुराए तो समझो दुनिया की कोई भी खूबसूरत ऐसी बिल्कुल चीज नहीं होगी जो माँ जैसी होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल, माँ को सभी माँ जो जहाँ भी है उनको हम हमेशा मेरी की भी ऐसी, कभी उसने डांटा नहीं था, कभी उसने मारा नहीं था, बस उसकी एक नजर होती थी, जब उसको कोई चीज पसंद नहीं ना आती थी, वो एक नजर से देखती थी तो हमको समझ आ जाती थी कि ये माँ की पसंद का नहीं है, नहीं तो उसने हमेशा प्यार ही प्यार बांटा, प्यार ही प्यार, सारी दुनिया में प्यार बांटा, नहीं, उनका प्यार। पुत्र और सन, मैं मजाक करती हाँ था कि माँ असी तीनों बेटियां हैं ते तुहानू पुत्र ते लखां करोड़ा मिल गए, जी जिन्ने यंगर जनरेशन सी वो माँ नू माँ कहंदी सी, कोई बीजी कहंदे सी, कोई माँ जी कहते सी, और जड़े हम उम्र सन वो मामा नू अपना दोस्त समझते सन,
और एडमायर सन ओदे फैन सन यू नो सो ने प्यार ही प्यार खटे और प्यार ही प्यार वंडिया जी। और आप भी आगे उसी उनके जो विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, और अब आपकी जो बेटी है सुनैनी वो भी गा रही है, तो है मैं सुनैनी की पंजाब की बेटी भी तरफ। उमा सुनैनी की अच्छा, उसकी बेटी बेटी भी, भी ये तो और अच्छी बात है ना कि गाना आगे रिकॉर्ड आगे। किया एक गाना रिकॉर्ड किया हमने जल्दी सुनाएंगे आपको 3 जनरेशन को। अच्छा, हाँ ओके, और वो माँ बहुत अच्छी बात है। हाँ मैंने माँ के साथ 3 जनरेशन किया था अब सुनैनी और उसकी बेटी मेरे साथ 3 जनरेशन कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमें फख्र है दीदी कि आप पंजाब के लिए और भारत के लिए, ये सिर्फ पंजाब का नाम नहीं है, आपने पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है, और उसके लिए हमेशा हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। अब तक आपको ये मेरी जिम्मेवारी थी मैं ये समझती हूँ। मैंने ये जिम्मा खुद अपने कंधे पे लिया कि माँ के जी गीतों को कभी खत्म नहीं होने देना जी अपनी आज तक जिम्मेवारी। आपको बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे और बहुत सारी आपने एल्बम की होंगी, तो आपको याद है कि कितनी एल्बम की है, और उसमें सबसे अच्छी एल्बम आपको क्या, आपके दिल के करीब कौन सी है? उमा कोई 48 एल्बम्स कर ली अलग अलग जॉनर्स की। कीर्तन जी कीर्तन सबसे पहले फिर माता की भेंटे फिर भजन फिर गजलें फिर सूफी कलाम फिर लोकगीत फिर बोलियां टप्पे सारे टाइप के किए। जी पर जो सबसे अच्छा जो मेरे दिल के करीब है वो मुझे सूफी लगता है। जी और सूफी का रंग जो होता है वो पता नहीं कुछ उम्र के साथ भी होता है कि धीरे धीरे तुम्हारे में सूफियानापन आ जाता है। दुनिया के रंग सब देख लिए होते हैं। तो बाबा बुल्ले शाह और शाह हुसैन शेख फरीद की पोइट्री के बीच में इतना खूबसूरत लिखा है उन्होंने कि उसके बीच में रम जाने को दिल करता है। सो मुझे जी सूफी सूफियाना अपना जब आप सुफियाना बिल्कुल सुनते हो उसके सोज में ही आप डूब जाते हो, तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ सुफियाना हमें सुनाएंगे अच्छा आज? ऐसे बैठ के वो जो एक माहौल क्रिएट होता है ना वो नहीं होता बट फिर भी कोशिश हाँ, पूरी करूंगी। हाजी लोग मक्के नू जांदे हाजी लोग मक्के नू जांदे ते मेरा रांझण माही मक्का नी मैं कमलिया मेरा रांझण माही मक्का जी रांझण लोग मक्के नू जांदे हाजी लोग मक्के नू जांदे ते मेरे घर विच 900 मक्का नी मैं कमलिया मेरा रांझण माही मक्का मैं ते मंग रांझे दी बोया मैं ते मंग रांझे दी हुई मेरा बाबल कर दाई तकानी मेरा बाबल कर दाई तका नी मैं कमलिया मेरा रांझण माही मक्का मेरा रांझण माही मक्का नी मेरा रांझण माही मक्का बहुत खूबसूरत सुफियाना अंदाज आपका जब हम सुनते हैं। मैंने एक बार आपको यहाँ किसी सरकारी फंक्शन में सुना था, जी तो मैं तब से आपकी फैन हो गई थी। ये बहुत थैंक्स पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, और मतलब मेरे मन में एक रिस्पेक्ट जो थी ना वो और बढ़ गई थी।
और मैं ढूंढती रहती थी कि मुझे कहीं डॉली ग्लोरिया जी का फंक्शन मिले और मैं वहां जाऊं। तो थैंक मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आज तेरे साथ, मेरे बहुत बुलाने पे। दिन के बाद मिले, और तू जी काफी देर तक बीमार भी थी और फिर अच्छी हो गई, अब मुझे बहुत खुशी है, और भगवान तेरे को लंबी उम्र अच्छी सेहत दे, और हम मिलते थैंक रहे। यू थैंक यू दीदी थैंक यू। और जाने से पहले आपके कुछ पल हमने समोए हुए हैं, आपकी कुछ यादें, कुछ पिक्चर्स हमारे पास हैं। मैं अच्छा रंग एफएम से दरखास्त करूंगी कि वो श्रोताओं को सुनाए, जरूर दिखाए जरूर दिखाए वो पिक्चर्स, वो पल। किशोर, डॉली गुलेरिया मैम, हाँ जी बोलिए उदीप जी। डॉली गुरेरिया जी की कुछ यादें हमने इकट्ठी की थी पिक्चर्स के थ्रू, आपने देखी। और दीप जी आप कुछ कहना चाहेंगी आज हमारे मेहमान के बारे में? बिल्कुल, सब तो पहला मैं फिर बहुत ढेर सारा शुक्राना अदा करना चाहनी हाँ तुहानू के इन्ने प्यारे इंसान, इन्ने खूबसूरत दिलों ते आवाजों, इन्ने मेलोडियस, इन्ने मिठे, के जिन्हों दुनिया जानती है, पहचानती है, ते साडे पंजाब दी शान है। तो इस गल लई बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी इन्हां नूं लै के आए थैंक जी। यू दूसरी सो मच जी जी सुसिर जी डॉली गुलेरिया जी, एक इल्तिजा है साडी कि असी तुहाडा प्रोग्राम प्रॉपर वे नाल रिकॉर्ड करके असी फिर सारे दे सामने लियाना चाहांगे। सानू थोड़ा टाइम, 1 घंटा फिर सानू चाहिदा है, तां कि साडे उमा शर्मा जी जी तुहाडे नाल होर खुल के गल्लां बातें, इन्नी खूबसूरत गलबात सी कि साडा चित नहीं सी भर रहा सारयां दा। ये जे तुसी तुहाडे कोल कमेंट वगैरह किते देखण दा वक्त होवे तां जरूर किते फोल के देखना कि किन्ना प्यार तुहानू भेजिया है सारयां ने। सो बस सानू ओ 1 घंटा बेशक सानू दे दियो कि असी दोबारा। मेरे सारे घंटे तुहाडे लई जी बहुत बहुत शुक्रिया कि है। असी तुहानू फिर मुड़ के असी स्पेशली शूट कर सके ते सारयां नू जरूर प्रॉपर वे नाल दिखा सके। अज ते जिवें होया हो गया, ते बहुत गॉड बहुत शुक्रिया डॉली गुलेरिया जी। ब्लेस यू, जीते रहो, बसते रहो। अज दा दिन सकार्थ कीता तुसी साडा, क्यों? क्योंकि तुसी वो आवाज हो जेड़ी के
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੰਗ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਮਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਦੀ। ਚਾਂਦ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਸਿਤਾਰੋ ਕੇ ਬਿਨਾ, ਸਾਗਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕਿਨਾਰੋ ਕੇ ਬਿਨਾ, ਸਾਜ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਮਧੁਰ ਗਾਨੋ ਕੇ ਬਿਨਾ, ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਿਮਾਨੋ ਕੇ ਬਿਨਾ, ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਿਮਾਨੋ ਕੇ ਬਿਨਾ। ਹਮ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੋ ਆਗੇ ਸੰਭਾਲਤੀ ਰਹੇ, ਆਗੇ ਬਢਾਤੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਰਹੇ। ਹਮੇ ਆਪ ਪਰ ਬਹੁਤ 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 ਗਰਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ FM ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਤਰੀਕਾ, ਸੀਰਤ ਸੂਰਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਰਲਿੰਗ ਲੇਰੀਆ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਠਾਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁਨੈਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਿਲੇਂਗੇ ਇਸੀ ਉਮੀਦ ਕੇ ਸਾਥ। ਹਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੋਤਾਓ ਕੋ
यहाँ इजाजत लेते हैं अपने श्रोताओं से, शुभ रात्रि, शब बख़ैर, थैंक यू शुक्रिया। रंग 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 एफएम, रंग 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 एफएम। चुप नू भी हुण बोल मिले ने, सत्ते बूहे खोल मिले ने, हर चानण दा जाया ओ जिंदगी संग बोलूगा, हुण रंग बोलूगा।